तकरीबन दस महीने हुए है, एक स्कैम के बाद दूजा स्कैम वड्डा आ जाता है। आम आदमी पार्टी ने अपने चोन पत्र विच ते अपनी स्पीचा विच इलेक्शन तो पहले कहा सी कि असी नौजवानों नू मेरिट ते नौकरियां देवांगे, ते अज देख लो हाई कोर्ट ने पहली उन्हां दा जिहड़ा नौकरी देने का नायब तहसीलदार का रद्द करता, क्योंकि उन्होंने कहा कि सब तो ज़्यादा हेरे फेरी उहदे च होईआं। आ जिहड़ी पार्टी है आ सारी सियासत इन्हां दी झूठ ते निर्भर है। इन्होंने कोई इन्हों के मन च कोई विजन नहीं है, कोई प्लैन नहीं है। इन्हों का दा सी कि झूठ बोल के लोगों को झूठे वादे करके वो सरकार बना लीए, उहदे बाद देखांगे की करना है। उही झूठ गुजरात विच इन्होंने कोशिश की, पर गुजराती सियाने रहे, उन्होंने पछाण लिया तो उन्होंने वड़ नहीं दिता। उही गल्लां जिहड़ियां इत्थे कीतियां सी आ इन्होंने हिमाचल दे विच कोशिश करन दी कोशिश की, पर उन्होंने हिमाचलियां ने वो कर दिता। इत्थे इन्हां दा दा लग गया। आ जिहड़े दस महीने टप्पे है, मैं देखिया कि इत्थे आ हुण ड्रामिआं ते लगे है, इश्तिहारां ते लगे है, ड्रामिआं ते लगे है, बोर्डां ते लगे है, झूठ बोल बोल के कहणगे मोहल्ला क्लीनिक बनाता। किहड़ा बनाया जी? पुराने सेवा केंद्रां नूं रंग पेंट करके उत्ते फोटोआं ला दिओ, मोहल्ला क्लीनिक नहीं बन जांदा। पुराने हस्पतालों नूं डिस्पेंसरियां नूं तुसीं रंग पेंट करके कहो मोहल्ला क्लीनिक है, वह नहीं नवा मानता। मैं भगवंत मान नूं दसना चाहुंदा, जिन्हें मोहल्ला क्लीनिक तू ना ना दे ना ते बनाए है, एक दस दिओ जिहड़ा नवा बिल्डिंग नवी चीज़ बनाई है, एक नवा डॉक्टर दस दिओ जिहड़ा मोहल्ला क्लीनिक वास्ते नवा तुसीं रिक्रूट किया, एक नर्स। हुण हालात की होगी, अज पिंडां दे ते शहरां दे बाहरले इलाकों जो जे डॉक्टर से उन्हां नूं कढ के नर्सां नूं कढ के मोहल्ला क्लीनिक वाड़ते, वो जिहड़े पुराने हस्पताल चल रहे सी पिंडां दी जिहड़ी डिस्पेंसरियां सी सारियां बंद हो गईआं, ते गरीब कित्थे जाण। सो इन्हां दी जिहड़ी पॉलिसी है ड्रामा करन दी। हुण इन्हां ने कहा कि असीं नवें स्कूल बनावांगे। स्कूल की है? एमिनेंस स्कूल, पता नहीं की नाम दिता उन्होंने, स्कूल ऑफ एमिनेंस। कीता की है? जिहड़े बादल साहब ने मेरिटोरियस स्कूल बनाया सी उन्हां दे उन्हां उत्ते नाँ चेंज कर दिता। आ जिहड़ी सरकार आ नाँ चेंज दी सरकार है, नवीं चीज़ बनाउण दी सरकार नहीं है। इस करके मैं पंजाबियों नूं बेनती करना चाहुंदा है, इन्हां दीआं गल्लां च आपां नहीं आउणा। पिछले एक साल पंजाब दी जो फाइनैंशियल हालत है वह बिगड़ गई है। 40,000 करोड़ रुपया कर्जा इन्होंने पिछले 10 महीने च ले लिया। जिहड़ा बिजली महकमा है वह तो बिल्कुल ही तबाह कर दिता। मैनू तो डर है कि अगलियां गाह जिहड़ियां गर्मियां टप्पणगियां किवें। जिहड़े किसानां नूं बेनती करदा तुहानूं 8 घंटे बिजली नहीं मिलनी, कोई इंतजाम पहले ही कर लो। आम जनता नूं कहना है अज ही जे तुसीं जनरेटर या कोई इना इनवर्टर का कोई इंतजाम कर सकते कर लियो, क्योंकि गर्मियां बहुत औखियां होनियां है। आ जिहड़ी इंडस्ट्री है पंजाब तो बाहर भज रही है, पहली बार पंजाब के इतिहास होया कि पंजाब का इंडस्ट्रियलिस्ट यूपी ते बिहार ते दूजे सूबे जान लग गया। पहले की हुंदा सी उत्थों दीआं कंपनियां पंजाब च आउंदियां सी, पर हो की है इत्थों दीआं कंपनियां बाहर जान लग गईआं। क्यों? मैं उन्होंने पुछया भी सी ते उन्हां दे इक्को इक जवाब सी, साडी इत्थे जान सुरक्षित नहीं है। सानू रोज़ गैंगस्टरां तों चिट्ठियां टैलीफोन आउंदे है, साडे बच्चिआं नूं किडनैप करके सातों फरौतियां मंगदे है। असीं इस सूबे च नहीं रह सकते जिथे असीं आम इंसान वांगू रह नहीं सकते। इत्थे बिजली होनी नहीं, गैंगस्टर राज कर रहे हैं। इनसेंटिव कोई जिहड़ी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है आ सही मायने ते इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं, इंडस्ट्री बंद करन वाली पॉलिसी है। इस पॉलिसी विच एक भी इनसेंटिव नहीं दिता जिहड़े नाल दे सूबियां तों चंगा होए। इंडस्ट्री तां आउंदी है जदों देखदी है किथे इनसेंटिव चंगे है। जम्मू कश्मीर च अपने तो ज़्यादा इनसेंटिव है, हिमाचल च अपने तो ज़्यादा इनसेंटिव है, तो हरियाणे च तां हैगा ही हैगा, तो फिर इत्थे आऊगा कौन? क्योंकि इन्हां नूं ना विजन है इन्हां कोले, ना कोई प्लैनिंग है। बाहरले बंदे रखे आ दिल्लियों, सरकार केजरीवाल अपने बंदिआं राहीं बाहरों चला रहा दिल्लियों। हर महकमे च हर मिनिस्टर दे नाल एक अपना केजरीवाल ने अपना बंदा लाया जिहड़ा दफ्तर च बहिंदा। पहली गल वो कानूनी गलत है, सारियां फाइलां
केजरीवाल के बंदे देखते हैं फिर मिनिस्टर आ जिहड़े मिनिस्टर आ गूठा छाप है सारे इन्हां नूं कहा तुसीं नहीं फाइल पढ़नी जो साडे अफसर जिहड़े महकमे बंदे दिल्लियों आए जो पढ़नगे वह फैसला करनगे तुसीं तां कल्ला दस्तखत करना है। मैं पंजाबियों नूं कहना चाहुंदा है आपां बड़े चाह नाल तुसीं आ सरकार बनाई पर जिन्नी छेती इस सरकार की बदनामी हो या जिन्नी लोगों की नफरत हुई है मैं कहना है पूरे हिंदुस्तान की सियासत किसी पार्टी के खिलाफ नहीं होनी। सो मैं आई बेनती करना थोड़ी अपनी पार्टी श्रोमणी अकाली दल है बाकी सारिया नैशनल पार्टियां खेतरी पार्टी कली है पंजाब की आवाज़ पंजाब वास्ते लड़न वास्ते पंजाब के हकों की आवाज़ कर कढ़ वास्ते कली आ खेतरी पार्टी है दूजिया कोई नहीं उन्होंने इंट्रस्ट पंजाब तो अपनी फेटी पार्टी तगड़ा करिए। 100 साल 102 साल संगरूर जरा जिमनी इलेक्शन होया जी मैं कह रहा जित थारा होर होंदियां जित थारा दे करके पार्टियां नहीं खत्म होंदियां जित भी जाने जो सिमरनजीत सिंह मान की वेव सी 89 च सारिया पार्टियां की जमानत जब्त हो गई तो अज मान साहब कित्थे है वो अखीरली बार है उसी हुण अगली बार देखियो घूम के अडानी साहब के पोर्ट चो आ रहा उत्थे क्योंकि इतों उन्होंने लिखा है मैं तो आप हैराना कहिंदा कोल उत्थों लैके पहले श्रीलंका तो टपा के इतने मुद्रा पोर्ट लैके आओ फिर उत्ते लैके आओ जिमनी त्योर की पूरी तैयारी श्रोमणी अकाली दल एक ऐसी पार्टी है 24 घंटे जनता च रहने वाली पार्टी है सो साडे वास्ते चोन होए ना होए कोई फर्क नहीं। देखो असी दोनों बह के आने फैसला करना है कोई ये कोई गलत जरा तुसी कह रहे हो गलत ओ नहीं नहीं आप उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं पंजाब इतने आप आके लड़ता मैं आप झूठ क्यों बोलीए कि यार असी थोनू जल्दी दस देंगे यार मैं थोनू दस दूंगा नहीं मैं थोनू एक दूंगा अनऑफिशियली थोनू बाद दस दूंगा मैं इन्ना कहना हले ऑफिशियली असी दस देंगे अडानी का मैनू इलेक्शन अडानी बारे मैनू कहने की लोड़ नहीं पूरा देश ही ला रहा है हुण मेरा कहण कि तुसीं कर नहीं मैं तां कह रहा मेरा मतलब है आ एक हर बच्चे की आवाज़ है कोई इंसान 5 साल जीरो तो हीरो नहीं बन सकता है जिस स्पीड नाल जिहड़े प्रीपेड मीटर का फर्क ही है जिहड़े जिहड़े उन्होंने 2500 करोड़ देना है पहले तो वह तो दियो जिहड़ा उन्होंने बिजली बिल दफ्तरों का है प्रीपेड जो खरीदने वास्ते उन्होंने कोल कार्ड ही पैसे नहीं होगा तो चलाउणगे किवें 2014 मैं जो कहना चाहना है देखो पंजाब के हित वास्ते वो लाइन सी पंजाब विच अमन शांति बहाल करने वास्ते बादल साहब की सोच सी पर जो जो फैसले इन्होंने किसानी दे कीते जां दूजे पंजाब विरोध कीते सानू उस वास्ते अपना फैसला लेना पिया मैं जो ना ले रहा मैं नहीं बोल रहा पूरे देश की जनता बोल रही है तो इस करके मैं इस तरफ कह नहीं फैक्ट है मैं तो कहना जिवें जो अकाली दल की पॉलिटिक्स है गुरु साहबान ने दसे रास्ते कि सरबत का भला तो सारे धर्मां का सत्कार वो पॉलिटिक्स होनी चाहिए है देश में क्योंकि अपने देश में सारे धर्मां के लोग रहिंदे हैं
ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਇਨ ਯੂਰ ਵਰਡਸ ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਯੂ ਡਿਫਾਈਨ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ? ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਲੇਟਰ। ਕੋਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਥਾਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਸੀਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਰੀ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੀਡੀਆ 'ਚ? ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਓਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਮਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿਮਰਤ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਇਕੱਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਸੀਜਨ ਆ, ਅਸਲੀ ਐਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਕੋਈ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ? ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਲੰਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ? 5 ਸਾਲ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੁਣੀ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ MLA ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਕੋਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਾ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਹੈ। ਯਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ